हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका मेरा तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप सबने मुझे बहुत प्यारे प्यारे और सुंदर से कार्ड्स बनाकर शिक्षक दिवस की शुभकामनाओं के साथ भेजे हैं। वो बहुत ही प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि मैंने उनके लिए एक छोटा सा वीडियो फॉर्म दे दिया है, जो मैं इसी वीडियो के साथ अटैच करके आपके साथ भेजने वाली हूँ, और ताकि उसको सब देख सकें कि देखिए प्यारे प्यारे हाथों से कितने सुंदर सुंदर कार्ड्स बनकर बाहर आते हैं। जैसा कि आपने मुझे शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं भेजी हैं, तो मैं भी आप लोगों को शिक्षक दिवस के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारियां साझा करूंगी, जिससे कि आप ये आगे जान पाए कि आपने यह दिवस क्यों मनाया है। तो जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इन्हीं के जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कुछ चलिए उनकी जिंदगी के बारे में जानते हैं। यह तस्वीर उनके बचपन की है और यह उनके स्कूल की तस्वीर है, जो आज इस तरीके का बाहर से नजर आता है। जब डॉक्टर राधा कृष्ण का जन्म हुआ, उस दिन 5 सितंबर था 1988, और इनका जन्म तिरुतनी नामक स्थान पर हुआ। इनकी जो फैमिली थी वो एक मिडिल क्लास फैमिली थी, मीन्स बहुत अमीर नहीं थी, बहुत गरीब भी नहीं थी, लेकिन इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो इनकी स्कॉलरशिप से हुई, क्योंकि ये पढ़ने में बहुत मेधावी रहे। तो इन्होंने बड़े होकर के फिलॉसफी की पढ़ाई की, और फिलॉसफी की पढ़ाई इन्होंने मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से की, जहाँ से इन्होंने मास्टर्स भी किया। मास्टर्स मीन्स जो हाई डिग्री होती है वो वहीं से ली, और फिर 1909 में ये मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में एज ए प्रोफेसर चुन लिए गए, और उसके बाद इन्होंने अब 40 वर्ष तक वहीं अध्यापन कार्य किया और अपने अध्यापन धर्म को निभाया। इन्होंने प्रोफेसर शिप के दौरान, जब ये मैसूर में थे, कलकत्ता यूनिवर्सिटीज़ में की, और आंध्र यूनिवर्सिटी और BHU के वाइस चांसलर भी रहे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया, और इन्होंने कई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे लेक्चर्स दिए, और इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं हिंदू फिलॉसफी पर। तो डॉक्टर राधा कृष्णन का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी पढ़ाई और अध्यापन कार्य के लिए रहा, तो इसके फलस्वरूप हमारी भारत सरकार ने इनको वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, हमारे देश के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति के रूप में इनको चुना, और ये पहले व्यक्ति थे जो 2 बार हमारे प्रेसिडेंट रहे, और इनका जो कार्यकाल रहा वह था 1952 से लेकर के 1962 तक, और फिर इसके बाद ये हमारे हमारे जो है राष्ट्रपति चुने गए, और तब इनका कार्यकाल रहा 1962 से 1967 तक। और इनको 1954 में एक हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान होता है भारत रत्न, उससे नवाजा गया। आप देखेंगे कि इन्होंने ये, क्योंकि कर्नाटक के थे, तो ये जो चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ ये वहाँ के वृंदावन गार्डन का है। ये वहाँ एक डैम बनाया गया था, डैम के पास ये जगह थी, तो उन्होंने इस खाली जगह को बहुत सुंदर तरीके से अपना लेआउट बना करके एक गार्डन वहाँ बनवाया है, और इस गार्डन को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पर फवारे हैं, और सबसे पहले यहीं पर म्यूजिकल फाउंटेन्स की शुरुआत हुई थी, जो आज भी यहाँ काम करते हैं, और लोग उनको दूर दूर से देखने के लिए जाते हैं। जैसे मैंने आपसे बताया कि उन्होंने फिलॉसफी पर बहुत सारी किताबें लिखी, तो कुछ किताबें ये हैं, जैसे कि द परस्यूट ऑफ ट्रुथ, ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट, और माय सर्च फॉर ट्रुथ इंडियन फिलॉसफी Volume 1, तो इनके कई वॉल्यूम्स हैं। और इस प्रकार इन्होंने बहुत सारा काम हमारे अध्यापन और अध्यापक और पढ़ाई से रिलेटेड किया है। इनकी नज़रों में किताबें क्या काम थी, किताबें वो साधन थी जिनके माध्यम से, ये किताबें वो साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं, और आपके अनुसार ही ट्रू टीचर्स आर दोज हु हेल्प अस थिंक फॉर अवर सेल्व्स। और इन महान हस्ती को हम लोगों ने 17 अप्रैल 1975 को विदा किया, और अभी हमारे बीच है नहीं, लेकिन इनके द्वारा दिए गए जितने भी अच्छी बातें हैं उनको हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूँ, तो मैं इनकी बहुत दिल से इज्जत करती हूँ कि हम इनके बताए हुए पद चिन्हों पर कुछ पल तक चल सकें। अब आखिर में आपको वो वाक्य बताती हूँ कि क्यों इनकी इनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। ये तो इनका कार्य था, जीवन की शैली मैंने आपको बताई कि जब 1962 में इनको राष्ट्रपति पद के लिए
सेलेक्ट किया गया, राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया और इन्होंने संभाल लिया, तो इनके पढ़ाए हुए बहुत सारे विद्यार्थी इनके पास आए और उन्होंने कहा कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं और मनाने की इच्छा अपनी जाहिर की कि हम आपका जन्मदिन मनाएंगे सर। तो उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन मनाने की बजाय अगर इस दिन को शिक्षक दिवस रूप में मनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि इससे हम अपने पूरे भारतवर्ष के शिक्षकों का मान सम्मान बढ़ाएंगे और उनको ये एहसास दिलाएंगे कि आप हमारे देश को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और इस प्रकार 1962 में पहली बार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया, जो हम आज भी मना रहे हैं। तो थैंक यू आप लोगों को वंस अगेन मुझे बहुत सुंदर सुंदर और प्यारे कार्ड्स भेजने के लिए।